पहले लॉ में देखिए, पहले लॉ में फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई जिसमें हम ये देख सकते हैं एकदम पहले, आपको याद है मैग्नेट का मोशन होगा, करंट कॉइल में इंड्यूस होगा, जनरेट होगा। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इट एक्सप्लेन द कॉज फॉर इंड्यूस्ड करंट, राइट। करंट जनरेट हुआ कॉइल, अगर मैग्नेट मूव करेगा, मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट जनरेट हुआ कॉइल में। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में मैं आप लोग को एक अलग से वीडियो बनाकर इसमें एक्सप्लेन करूंगा। याद रखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो लाइन ऑफ फोर्सेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे आप लोगों को यूज में आने वाली है। लाइन ऑफ फोर्स जो आपको चीजें समझाएंगे कि ये लाइन ऑफ फोर्स जो यहाँ से मूव हो रहे हैं टुवर्ड्स द कॉइल, वो आपको फैराडे के फर्स्ट लॉ के बारे में बताएंगे। वेरी सिंपल, मोशन मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्यों इंड्यूस हुआ, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सर्किट चेंज, जो उसके अंदर ईएमएफ था जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से चेंज हो गया। ओके, जो ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ वो उसके अंदर के मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, सर्किट के अंदर जो चेंज हुआ उसकी वजह से वो ईएमएफ मतलब वो करंट जनरेट हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, देन फर्स्ट लॉ इसी को हम समझेंगे, करंट वॉज इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट इसलिए जनरेट हुआ, एज देर इज अ सम करंट इन द सर्किट, देर फॉर देर विल बी सम ईएमएफ फ्लोइंग इन द सर्किट। वहां पे पहले से ही था, इसकी वजह से वो शो हो रहा था, वो आपको दिख रहा था। वॉट एवर और वेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट चेंजेस ओनली एट दैट टाइम ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ठीक है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स विद द सर्किट चेंज होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, करंट जनरेट नहीं होगा। द इंड्यूस ईएमएफ विल बी देयर टिल देयर इज अ चेंज इन द फ्लक्स। याद रखिए फ्लक्स कब, जब तक इंड्यूस ईएमएफ होगा। इंड्यूस ईएमएफ कब होगा, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा, मतलब जब तक मोशन नहीं, जैसे ही वो रेस्ट कंडीशन पे आ गया, नो इंड्यूस ईएमएफ। व्हेन द मैग्नेट वॉज मूव्ड देन ओनली देर वॉज अ चेंज इन द फ्लक्स। याद रखिए मैग्नेट से फ्लक्स, फ्लक्स से इंड्यूस ईएमएफ, मैग्नेट फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ, मैग्नेट का मोशन चेंज इन फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ। ये तीन चीजें याद रखिए, मैग्नेट फ्लक्स ईएमएफ, मैग्नेट फ्लक्स ईएमएफ, एम एफ ई, मैग्नेट फ्लक्स ईएमएफ। मैग्नेट मोशन करेगा ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के लिए, चेंज इन फ्लक्स होगा तो आपको ईएमएफ मिलेगा। एज द मैग्नेट इज मूविंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन अक्रॉस द एरिया इज ऑल्सो चेंजिंग, देर इज अ चेंज इन द फ्लक्स, देर फॉर देर इज इंड्यूस ईएमएफ, राइट। मैग्नेट मूव हो रहा है, लाइन ऑफ फोर्स जो यहाँ वहाँ है और भी चेंज हो रहे हैं, कम या ज्यादा होंगे, और जैसे ही वो फ्लक्स चेंज होगा वैसे ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन इंड्यूस कब होगा, जब तक वो चेंज होता रहेगा, जब तक लाइन ऑफ फोर्स बदलते रहेंगे तभी तक। इफ द मैग्नेट इज नॉट मूविंग देयर विल बी नो चेंज, राइट। वापस से मैं आपको दिखाऊं, जब तक मैग्नेट मूव होता रहेगा तभी तक यहाँ पर ये चीजें जनरेट होंगी, जैसे ही मैग्नेट का मोशन बंद ईएमएफ बंद, मैग्नेट का मोशन ईएमएफ बंद, मैग्नेट का मोशन चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नेट का नो मोशन, नो चेंज इन ईएमएफ, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। याद रखिए ये तीनों डिपेंडेंट हैं। ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब मैग्नेट मूव होगा। मैग्नेट मूव होने से क्या होगा, मैग्नेट मूव होने से आपका लाइन ऑफ फोर्स उसमें इंड्यूस होने वाला है।